का पूरा फोन नहीं छानूंगा ना वहां तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, बोले। मेरा बेटा पीछे से रो रहा था, बोले जहां तक इसका पूरा फोन चेक नहीं करूंगा ना, आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जाओ, मीडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी पे बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये साइको टाइप का आदमी है, लोग इसे सेलिब्रिटी बना के रखते हैं। सेलिब्रिटी क्यों बना है? क्योंकि माँ बाप को गाली देता है, भाई बहन को गाली देता है, जिसको मन तिसको गाली देता है, सेलिब्रिटी बनाते हैं। आज उस फेमस के वजह से इसने क्या किया है कि इसको किसी लड़का ने इसको रोस्ट किया या कुछ किया, ये कहानी क्या मैं बताता हूँ। ये जिम जाता था तो वहां पे एक 19 साल का लड़का था, उसने वीडियो बनाया। अब वीडियो बना के बोला कि ये रोज आता है, मेरा दिन खराब कर देता है। इसने क्या किया कि पहले तो क्या किया, बोला कि आओ मिलते हैं, इसको घर से उठाया, घर से उठा के अपने रूम ले गया, गोबर इसका मुंह पे डाला और उसके बाद इससे बाथरूम साफ करवाया, इसके मुंह पे पेशाब किया लड़का ने बोला, और उसके बाद इसको घर ले जाके छोड़ा। अब फिर एक वीडियो बनाता है, वीडियो बना के बोलता है तुम मुझे बाप बोलो। है हिम्मत किसी नेता के बेटा को ये करने का? तुम्हारा, मैं बोलता हूँ, तुम्हारा हिम्मत है या किसी में किसी देश का इंसान का ऐसा ही किसी इंसान का हिम्मत है किसी नेता के बेटा को ऐसा उठा के बोल दे कि तुम्हारा बाप है? तुम्हारा दादागिरी वही निकाल देगा नेता वाला, या किसी पुलिस के बेटा को उठा के देखो, दुनिया में इतना तुमको लोग क्रिटिक करता है, सबको उठा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों किया इसने? ये भी देखा होगा कि कहीं लोकल फैमिली से आता होगा या कुछ आता होगा, ऐसा देखा होगा, उठा के ले जाके इसका मुंह पर गोबर पोत दिया, बाथरूम साफ करा। उस लड़के का माइंड की स्थिति क्या होगा जी? 19 साल का लड़का है, कैसे इस समाज में जिएगा? इस पर कोई सवाल उठाया है? उसका माइंडली स्थिति क्या होगा? इस पर कोई सवाल उठाया है? पुलिस ने उसका एक दिन बाद छोड़ दिया, इस पर सवाल उठाया कोई? नहीं उठाएंगे हम। देश वाले क्या है ना, बहुत बड़ा दोगला इंसान है हम। इंडिया के जो लोग हैं, हमसे दोगला इंसान कोई नहीं है। एक बात बताते हैं, गाली गलौज करने वाले को हम लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, चोरी करने वाले को नेता बोलते हैं, बलात्कारी को हम लोग नेता बना देते हैं, और क्या? ये हमारी देश की रियलिटी है जी, रियलिटी है। अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं, बुला के बोलते हैं आइए जी कॉलेब करते हैं, कॉलेब करते हैं, क्लब क्लब कौन ने किया? थगेस किया, उस पे से अभिषेक मलान ने किया, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्या क्या सेलिब्रिटी है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि गाली दीजिए तो मैं आपको लाके क्लब कराऊंगा, माँ बहन को गाली दीजिए? इनसे कोई सवाल पूछा अभी तक? कोई नहीं पूछा होगा। इस सारे 2 करोड़ के इन्फ्लुएंसर हैं, इस बोलने में कोई गलत नहीं है। है हिम्मत, हम चैलेंज करते हैं, इस देश का किसी भी विधायक का बेटा को तुम उठा के ऐसे मुंह पे गोबर पोत के दिखाओ, सारे देश के इन्फ्लुएंसर को मैं चैलेंज करता हूं, दिखाए कोई, पट्टा बांध के अगला दिन घुमाना स्टार्ट कर देगा सब। मैं दिक्कत क्या है ना मिडिल क्लास लोगों का, मिडिल क्लास वाले लोगों को लोग इजिली टॉर्चर कर देता है। नहीं तो हिम्मत है तो किसी करके दिखाओ अपना बलबूता पे, किसी अच्छा इंसान का लगने का हिम्मत है किसी का? नहीं होगा भाई। मैं दिक्कत क्या था, ये 19 साल का लड़का था, किसी गरीब घर का या किसी मिडिल क्लास फैमिली का होगा, ये इन्फ्लुएंसर गुंडा वाले हैं, इन्फ्लुएंसर गुंडा समझ रहे हैं, आएंगे ऑनलाइन बोलेंगे जी, गाली देंगे माँ बहन को, अपने आप को डॉन दिखाएंगे, थार गाड़ी खरीद लेंगे, थार गाड़ी खरीद के दिन रात घुमाएंगे, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर बोलेंगे। इन्फ्लुएंस क्या करते हैं आप? ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर होंगे, जिस कैटेगरी में होंगे, उस कैटेगरी का इनका वीडियो ही नहीं मिलेगा आपको, जितने भी मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर है। एक वीडियो आया था अभी फ्लाइंग विस्ट का, देखिए उसने, मैंने अभी न्यूज चैनल्स होते हैं तो न्यूज देखी कि किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म। क्या बोला था अभी वीडियो देखे, देखे ना, सही बोला था वो बंदा कि हम कैसे कैसे आदमी को हम सेलिब्रिटी बनाते जा रहे हैं, कैसे आदमी को? गवर्नमेंट कहाँ है? आपको पता होगा मध्य प्रदेश में एक दलित इंसान के मुंह पे बीजेपी के किसी नेता ने पेशाब कर दिया था, उस पर कितना बवाल हुआ था कि दलित को ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? ये लड़का नहीं है, ये इंसान नहीं है। मैं 6 साल से डिप्रेशन का पेशेंट हूं,
और डिप्रेशन में कैसे जाता है मुझे पता है, वो लड़का का मेंटली स्थिति क्या होगा मुझे पता है, मैं फील कर सकता हूं। इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसका माइंडली स्थिति क्या होगा, वो आगे का अपना जो सफर पूरा करेगा जिंदगी में किस हिसाब से पूरा करेगा, कि मेरे मुंह पे गोबर पोता गया। समाज इस बात का जवाब देगी, कोई इस बात का जवाब देगा मेरे को, या गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आज के टाइम में क्या हो गई है, इतनी दोगली हो गई है हम लोग का गवर्नमेंट है या हम लोग, कि चोर को हम लोग रख नहीं सकते। वीडियो आया है कि वो हमको बाप बोल रहा है, उसको एक दिन में छोड़ दिया जाता है। प्रूफ, और क्या प्रूफ चाहिए जी आपको, और क्या प्रूफ चाहिए इस देश में? मगर एक छोटे घर के लड़के को उठाओ जेल में डाल दो, 10 दिन में छोड़ा जाएगा। मैं जब प्रूफ दिखाई दे रहा है कि हाँ उसके साथ गलत हुआ, उसको एक दिन में छोड़ दिया जाएगा, क्यों क्यों भाई? वो इंसान नहीं है? बहुत ही मतलब निंदनीय स्थिति है, निंदनीय समाज हो चुकी है हमारे, मतलब लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, अब मजाक में दिखा रहे हैं, मतलब इस पर मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, नहीं तो मेरे मन में भड़ास बहुत है, निकाल दूं ना अभी सही से तो आज इंटरनेट हिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए वो भी जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।